स्वागत है, स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। बहुत सारे सवाल आपके लिया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया हूं। हर संडे आता हूं, आपके सवाल के जवाब देता हूं। नाम नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूं, बुरा मत लगाइएगा दोस्तों। आपकी प्यारों सपोर्ट की मुझे खूब सारी जरूरत है। हमेशा की तरह लाइक करिए इस वीडियो को और #AskRubus लगाइए जहां भी आपको ठीक लगे और मुझसे जो चाहे वो सवाल करिए। ज्यादा बहस नहीं करते, पहला सवाल लेते। और अंगद सिंह जी बोलते हैं कि 20,000 के नीचे उनको दो फोन्स अच्छे बताइए। देखिए अभी तो मैं कहता हूँ कि रुक जाइए, अभी काफ़ी सारे फोन्स इंडिया में लॉन्च हो गए। हालांकि अभी भी बहुत सारे फोन्स हैं, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस है, पोको X3 है, रियलमी 7 है, 7 प्रो है, बहुत सारे है। लेकिन वेट करिए, अच्छे फोन्स आएंगे तो आई थिंक उसके बाद ही मैं आपको बताऊँ तो बेटर रहेगा। और उन्होंने बताया कि S21 सीरीज़ का वेट करें या आईफोन 12 के साथ जा सकता है या थर्ड ऑप्शन OnePlus 9। आपको मेरे ख्याल से OnePlus 9 सही रहेगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो iPhone 12 भी आपके लिए सही रहेगा, आपके डैडी के लिए चाहिए तो iPhone सही रहेगा उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है। जफीर शेख ने पूछा है कि प्लीज शेयर योर जर्नी डेट हाउ यू गॉट आइडिया टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। देखिए 2015 की बात है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब में आऊँगा। बस ऐसी एक नॉर्मल वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में, मॉडिंग वाला था, वो तो इलीगल था। और उसके बाद 5-6 महीने बाद आके देखा तो बहुत सारे व्यूज़ आ गए, लाखों में व्यूज़ आ गए। बोला अरे क्या बात है यार, इतना मशहूर हो जाएंगे हम। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि चल देखते ट्राई करते। तो मैंने नॉर्मली, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत हल्का सा नॉलेज था उस टाइम पर टेक में, मैंने बोला करते। तो उससे रिगार्डिंग मैंने गीकी रंजीत और ऐसे दूसरे सब क्रिएटर्स के वीडियोस देखने लगा। उस वक्त इंग्लिश चैनल ज़्यादा चलते थे इंडिया में। धीरे 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 हमने भी हमारे ट्राई किया, हमारे चैनल भी पहले इंग्लिश में था। बस वहीं से एक ऐसा एक आइडिया आ गया दिमाग में, चलो करते कुछ, बस और कुछ नहीं। ओम प्रकाश बोलते हैं कि ज्ञान थेरेपी के साथ कोलैबोरेशन कब कर रहे हो। राकेश जी के साथ में उनसे बातचीत होती रहती है मेरी, बढ़िया है, सही बंदे। और कोरोना वोरोना लगा हुआ है, जब हटेंगे तो हम तो पूरी प्लान कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग से तो बेटर रहेगा कि मिलके बातचीत करें, वीडियोस में आए, वो हमारे चैनल पर आए, हम उनके चैनल पर जाए, ना ऐसे ही होता है कोलैबोरेशन, और इसी में मैं बिलीव करता हूँ। तो करेंगे, मैं तो मुकुल शर्मा के साथ में भी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं, मैं खुद वेट कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ में मुझे दोबारा मिलना है और दोबारा कोलैब करना है, मज़ा आएगा, वापस से हम यूनाइट हो जाएंगे, दोबारा आपको सब वीडियोस मिलेंगे। भावेश पवार जी बोलते हैं कि पोको F2 इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है। देखिए पोको F2 का डी एंड समझ लीजिए या डेड हो गया ये समझ लीजिए। अब पोको एफ सीरीज में वो लोग काम कर रहे, बोल रहे थे वो लोग कि नया फोन लेके आएंगे। अब वो पोको F2 होगा क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं पता, ये बेटर रहेगा हम इनके बारे में बात ही ना करें, ना इनसे सवाल करें, बहुत हमने भाव दे दिया, अब उनको लाना रहेगा तो वो लेके आएंगे। सात्विक जी बोलते हैं कि विच फोन शुड आई बाय, सैमसंग M21 या फिर इन नोट 1 एट 12,000। देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन कंपनी, उसके बाद दूसरी कंपनी। तो मैं आपसे रेकमेंड करता हूं इन नोट 1 माइक्रोमैक्स का, वो आपके लिए सही रहेगा। जतिन सोनी जी बोलते हैं कि अगर बजट हो तो फ्लैगशिप या मिड रेंज बाय करने का सेंस है या बजट फोन में सही रहेगा। देखिए आजकल बजट फोन्स इतने अच्छे अच्छे मार्केट में आ चुके हैं 20,000 के नीचे, जो कमियां पूरी कर लेते हैं। हाँ फ्लैगशिप पे थोड़ा कैमरा अलग होता है, उनमें प्रोसेसर बहुत हाई क्वालिटी का होता है, थोड़ा इनोवेशन होते हैं उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर आपको वो चाहिए तो ठीक है, तो आजकल तो बजट में सब कुछ हो जाता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मैं वो अमीरी टाइप वाला बंदा नहीं हूँ कि आईफोन यूज़ करूँ। ये भी देखो ये कंपनी की तरफ से आया था, बाकी ऐसा कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। अभी मुझे लेना रहता तो मैं फोल्ड 2 ले लेता सैमसंग का, मैं तो बहुत सोच रहा था अरे क्या फ़ोन है, लेकिन क्यों, ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लेना तो आप ले लीजिए, बाकी तो बजट में भी आजकल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे, काम तो हो जाता है, तो मैं तो वही रेकमेंड करता हूँ। हर्ष त्रिपाठी बोलते हैं कि भैया 5G फोन अभी लेना सही रहेगा क्या, इतने सवाल आए मुझे इससे रिगार्डिंग। देखिए जनवरी के बाद से मैं बोल रहा हूँ, अभी रुक जाइए, अभी तो वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, एक मोटो G 5G है बस इंडिया में जो अच्छी रेंज में आपको मिल रहा है। बाकी तो जनवरी के बाद से 15-20,000 की रेंज में आपको मिल जाएगी। डायमेंसिटी 800U वाले चिपसेट भी आएगा इंडिया में, तो फिर जून तक, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपको 5G इंडिया में मिलना शुरू हो जाएगा जियो की तरफ से। तो यस यू कैन लेके रख लो, 5G रेडी फोन हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं। पटेल पीयूष जी बोलते हैं कि एसुस 7 और 7 प्रो का क्या हुआ। देखिए भाई एसुस वालों को लगता है मार्केट में आना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या बोले भाई, मतलब हमने पूछा उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। हम तो ZenFone मैक्स M3 प्रो वगैरह क्या पता नहीं उसके भी बारे में पूछ के थक गए, उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए मैं सिंपल सी बात है, जो ज्यादा भाव नहीं देता ब्रांड उनको छोड़ दीजिए, मत पूछिए। दूसरी तरफ दूसरी कंपनीज काम कर रही है, उनके फोन ले लीजिए, खाली नाम का फर्क होगा, बाकी तो वो चीज यहां पर भी आपको मिल रही है। तो अगर वो नहीं दे रही है, नहीं ला रही है, तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। प्रयास यादव जी बोलते हैं कि under 30,000 बेस्ट कैमरा फोन चाहिए। देखिए मैं आपको फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दो फोन रेकमेंड कर सकता हूं, एक तो Pixel 4a जो काफी अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है,
एक कैमरा लेकिन किल कर देता है वो, और दूसरा है वीवो का V20 Pro। मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा फ़ोन है, कैमरा बहुत अच्छा है इसका, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो आई थिंक अगर आप एकदम ज़्यादा कैमरे के अंदर इन्वॉल्व है तो ये दोनों फोन उस प्राइस रेंज में मुझे लगता है सही रहेंगे। आर्यन ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आपका कौन सा जॉब होता, क्या चूज़ करते आप? मुझे नहीं पता यार, मतलब मैं 5 साल पहले तक तो एकदम बेकार था, मतलब मैंने कितनी कंपनीज में काम किया छोड़ के आ गया, मतलब BPO में हम बोलते हैं ना, बैक ऑफिस वगैरह में फ़ोन पे बात करना, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर मार्केट में कहीं बैठता था दुकानों में इधर उधर, तो ऐसा कोई मेरा एम और गोल नहीं था। तब मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, सिर्फ 12th पास था, बाद में फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी किया, अभी MA कंप्लीट कर लिया हमने पूरा, तो ऐसा कोई वो नहीं था। अभी भी क्या यहीं वही कोई कंपनी में हम पढ़े होते, लेकिन अब ठीक है, YouTube में शौक आया, अल्लाह के करम से आगे बढ़ गए, आप लोग ने इतना प्यारो सपोर्ट दिया तो आ गए यहाँ पर। आदर्श मिश्रा जी बोलते हैं कि आपको 2021 में अपने फ़ोन में कौन कौन से फीचर चाहिए। देखिए 2021 में हमें पता है कि बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली है, अंडर डिस्प्ले कैमरा हो, फोल्डेबल फ़ोन और रोलेबल फ़ोन, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे टेक्नोलॉजी आएगी, 5-10 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाएगा, है ना, 120 वोल्ट वाले चार्जिंग वाले फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मुझे एक अच्छा फीचर ये कि मुझे ना चार्जिंग बहुत फास्ट चाहिए, मतलब 5-10-15 मिनट में फ़ोन चार्ज होना चाहिए, ये मुझे लगता है क्योंकि मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट है उसकी, हाँ मैं ये चाहूँगा। बाकी अंडर डिस्प्ले कैमरा हो, अंडर ये 100x जूम हो और ये सब का मैं क्या करूँगा, लेकिन चार्जिंग बहुत ज़रूरी है, तो 15 मिनट में भी हो जाना तो अपना काम हो जाए। अमर कुमार जी बोलते हैं कि पबजी मोबाइल ऑफिशियली प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में खराब आएगा। भाई ये तो हम खुद पूछ रहे, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है इनका। मुझे एक्चुअली में बहुत अजीब लग रहा है कि ये पबजी का क्या सीन चल रहा है। एक तरफ फौजी वहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी अभी आने की बात हो रही है, वो अभी तक आया नहीं है, और दूसरी तरफ पबजी वालों को यहाँ पर मिनिस्ट्री ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है, क्या चल रहा है अभी। हालांकि बीच में उनके वेलकम क्रेट भी बाहर आ गए थे, और एक तरफ ये भी पता चल रहा है कि वहाँ से शायद जो कौन है वो चाइल्ड राइट्स वाले, वो भी बोल रहे हैं कि भाई गेम में वॉयलेंट है, ये है वो है, तो हम उसको अलाउड नहीं करेंगे। ऐसा तो दूसरे भी गेम है, सबको बंद करो ना फिर। बहुत सारे गेम इंडिया के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती है, कितने गलत काम होते हैं इंडिया के अंदर, उसको भी बंद करो, सबको बंद कर दो ना फिर। बात तो वही है, गेम की गलती नहीं, लोगों की गलती है जो लोग उसको गलत तरीके से लेते। मैं तो ये बोलता हूँ और पहले भी बोल रहा था, देखते आने दीजिए क्या होता है, आपको बताएंगे। टेक फैन बोलते हैं कि हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट हाइप्ड फोन्स बिफोर द रिलीज। ये होना सवाल, बहुत एक्साइटमेंट होता है जब कोई ऐसा फ़ोन जो इतना ज़्यादा हाइप मच गया उस पर, और हम टाइटल में भी रख लेते हैं और लोग इतने सारे लोग देख लेते हैं और कमेंट में बस हर जगह पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर वही छाया होता है, और फिर वो फ़ोन हमारे पास आ जाता है तो वो एक अलग ही स्माइल होती है फेस पे, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, और फटाफट हम अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, खुशी होती है। दूसरे फ़ोन से कंपेयर करो तो काफ़ी खुशी होती है, एग्जाम्पल OnePlus Nord। यस, निवेद जोगेश जी बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास और गेमिंग के लिए बेस्ट फोन अंडर 15,000, 15,000 के नीचे Narzo 20 Pro सही रहेगा आपके लिए, बेस्ट फोन है मेरे ख्याल से, 14,000 में 6GB की रैम भी है, तो आई थिंक वो आपके लिए सही रहेगा। सैफ राणा बोलते हैं कि क्या जेन या फेब में अंडर 15,000 में 5G फोन आएगा? आ सकता है, पहले तो फिलहाल के लिए 15-20 की रेंज में आपको मिलेगा, धीरे धीरे समझ लीजिए, वैसे भी 5G इंडिया में अभी इतना जल्दी आ नहीं रहा, तो अगर आप वेट करो तो मिड तक तो आपको तो 10,000 की रेंज में 5G फोन इंडिया में मिल जाएगी, बात तो वो है। आलोक मन्ना बोलते हैं कि 4G रिलीज डेट क्या बताए दोस्त, अभी प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है उसका, और दिसंबर में तो पॉसिबिलिटी है गेम की आने की, कभी भी आ जाएगा समझ लीजिए, हमारी अनबॉक्सिंग ने हमारा गेम प्ले आपको मिल जाएगा, तो समझ लीजिए महीना बस लास्ट है, आपको इस महीने में मिल जाएगा। सनी संगा जी बोलते हैं कि माय क्वेश्चन इज रेडमी नोट 10 सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? रेडमी नोट 10 प्रो 5G तो Mi 10i के नाम से इंडिया में आएगा, तो नोट 10 सीरीज देखिए Xiaomi वाले क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है, इनके नंबरिंग्स, इनके नाम, ये वो क्या हो रहा है इसे वही जानते हैं, तो जो भी होगा बस वेट करिए, किसी भी नाम के साथ में कोई भी फ़ोन आ जाए, क्या पता इनमें से वो पोको वाला फ़ोन बन के आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो जनवरी तक रुक जाइए, साल जाने दीजिए, बहुत दिमाग खराब हो गया इस साल में, उसके बाद 2021 में धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और आखिरी सवाल आ रहा है TA थनहीन की तरफ से, उन्होंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपकी मंथली इनकम क्या है? देखिए YouTube ऐसा है ना कि यूट्यूबर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारी इनकम ना फिक्स्ड नहीं होती है, जैसे कि हम जॉब करते हैं तो वहाँ पर फिक्स्ड होती है 15,000, 20,000, 25,000, हाँ वो अलग बात है कि प्रमोशन मिला तो पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होता है, कभी ज़्यादा आता है तो कभी बहुत कम आता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आता है, ऐसा भी होता है, तो अगर लीस्ट में बात करूँ तो समझ लीजिए एक एक्टिव आपको लेके दे सकता हूँ, और अगर कभी ज़्यादा हो जाता है तो समझ लीजिए मैं आपको 2-3 Samsung Galaxy Fold 2 दे सकता हूँ, तो ऐसे ही है कुछ समझ लीजिए। तो
ये थे दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आएगी, बड़ा मजा आता आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ऐसा लगता है ना ऐसा मीटअप रखूं ऑनलाइन, ऐसा धड़ाधड़ लोगों को बुलाओ, लाइव सवाल लो सबके। मैं हमेशा ओपन रहता हूं, मैं किसी से डरता नहीं है, जो सवाल पूछना पूछिए। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों प्यारा सपोर्ट के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।